वेलकम टू इग्निट। घर गृहस्थी से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे दिया गया रेड बटन दबाकर, ये फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेज मोमो। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 2 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 कप बारीक कटी हुई गाजर, 5-6 कलियां लहसुन बारीक कटा हुआ, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च व सोया सॉस व तेल। पहले स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन में 3 चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन भून लेंगे। लहसुन लाइट ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल के इसे भून लेंगे। हम प्याज को भूनेंगे जब तक कि इसका रंग बदल कर लाइट ब्राउन ना हो जाए। प्याज अच्छी तरह से भुन गया है, अब हम इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां डाल लेंगे। 1 कप बारीक कटी हुई गाजर व 2 कप बारीक कटी हुई कैबेज। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर व 1/4 चम्मच काली मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए कम आंच पर पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। अभी ये थोड़ी हार्ड है तो हम इसे ढककर कुछ और देर पकने देंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाएं। हम ढककर 5 मिनट और इसे पका लेंगे। सब्जियां पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम एक बार फिर से इन्हें चेक कर लेते हैं। ये सॉफ्ट हो गई हैं। हमें सब्जियों को हल्का सॉफ्ट करना है, इसलिए हम इसे थोड़ा ही पकाएंगे। अब हम इसमें 1 स्पून सोया सॉस डाल देंगे और फिर तेज आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए सब्जी को अच्छे से भूनेंगे। स्टफिंग रेडी हो गई है, अब हम गैस बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। अब हम आटा रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पानी से आटा गूंथकर एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। हमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। ये हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। इसे गूंथने के लिए मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम पानी यूज़ किया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है और आटा भी रेडी हो गया है, तो अब हम मोमोज बनाते हैं। हम डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इस तरह की लंबी बत्तियां उन 2 पार्ट्स की बना लेंगे। आटे की बत्ती को इस तरह से हम छोटा छोटा तोड़ के आटे की छोटी छोटी गोलियां उससे बना लेंगे। अब हम इन मैदे की गोलियों से छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे। इसके लिए हम सूखा मैदा इस पर लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। मोमो का कवर बनाने के लिए हमें इस साइज़ की रोटी बनानी है। आज हम 2 डिफरेंट शेप्स के मोमो बनाएंगे। पहली शेप देख लेते हैं। सबसे पहले हम रोटी के किनारों पर पानी लगा के इसे थोड़ा गीला कर देंगे। अब इसमें स्टफिंग डाल देंगे। अब हम एक तरफ से रोटी को उठाएंगे और इस तरह से प्लेट्स डाल के इसको हल्का हल्का दबाते जाएंगे प्लेट्स को, और इसे बंद करते जाएंगे। हमने जो पानी इसमें लगाया है उसकी वजह से ये आपस में चिपक जाएगा। इस तरह से हम प्लेट्स डालते हुए इसे चारों तरफ से प्लेट्स डाल के बंद कर देंगे। आखिर में हल्का सा इसको इस तरह से दबा देंगे। तो रेडी है हमारा मोमो। अब दूसरी शेप के मोमो देख लेते हैं। मोमो का कवर बनाने के लिए जो हमने रोटी बेली है उसके सेंटर में हम स्टफिंग डाल लेंगे। रोटी के किनारे पर चारों तरफ इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेंगे।
इस तरह प्लेट्स बनाने से एक पोटली जैसी बन जाएगी। अब हम इस पोटली को एक साइड से पकड़ के इस तरह से आपस में चिपका देंगे। और हमारी दूसरी शेप का मोमो भी रेडी हो गया है। स्टीमर में पानी गर्म होने रख दिया है। अब हम इन मोमोज पे थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे ताकि ये बर्तन से चिपके ना। इतने मटेरियल से हमने 12 मोमो बनाए हैं। स्टीमर को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि इसमें मोमो चिपके ना। और अब हम इसमें मोमो रख देंगे। अब ढक्कन लगाकर मोमोज को हम 8 से 10 मिनट के लिए भाप से पकने देंगे। 8 मिनट हो गए हैं मोमोज को पकते हुए, इन्हें चेक कर लेते हैं। मोमोज पक गए हैं, आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी चेंज हो गया है। रेडी है हमारे वेज मोमो। इसे रेड चटनी व व्हाइट सॉस के साथ सर्व करें। मोमो की रेड चटनी व व्हाइट चटनी की रेसिपी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।